लॉकडाउन में फंसे यात्रियों का सहारा बना योग। दरअसल रेलवे वेटिंग हॉल में लगभग दर्जनों यात्री फंसे हुए हैं जो अपने घर जाने के लिए आतुर हैं। लॉकडाउन खुलने के इंतजार में यात्रियों को मनोरंजन के लिए टीवी और योग का सहारा रेलवे द्वारा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्टेशन पर ठहरे हुए यात्रियों के लिए बाकायदा इंतजाम किए हुए हैं। यात्रियों के टाइम पास और भोजन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गई है, तो वहीं स्वस्थ रहने के लिए प्रशासनिक देखरेख में सबको रोजाना सुबह योग कराया जा रहा है। यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए जिला प्रशासन नज़र भी बनाए हुए है। यात्री योग करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और पहले से ही तैयार रहते हैं। योग करने में बुजुर्ग लोगों का खासा ख्याल रखना पड़ रहा है। योग करने में यात्रियों का मन लग रहा है। यात्रियों से हुई बातचीत में यात्रियों ने बताया कि योग करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है। हालांकि योग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके पास आरामदायक कपड़े नहीं हैं और न ही कपड़े की व्यवस्था संभव है, इसलिए जो है उसी में काम चला रहे हैं। लेकिन योग करने से पॉजिटिव एनर्जी के साथ मानसिक मजबूती मिल रही है, देश में आए संकट से लड़ने का आत्मबल मिल रहा है। क्या नाम है आपका? रघु शिंदे। योगा यहाँ से सिखाया जा रहा है, किया कराया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो क्या ये पहले योगा आप करते थे कि नहीं? पहले कभी कभी करते थे। तो अब जैसे अब 4-5 दिन से कंटिन्यू हो गया, तब क्या घर जाएंगे तो योगा करेंगे कि छोड़ देंगे? करेंगे। तो योगा से क्या आपको लगता है, कुछ आपकी बॉडी में अच्छा तंदुरुस्त लगता है? अच्छा लगता है। सुनील, आप लगातार योगा 4 दिन से कर रहे हैं, इसके पहले आप योगा करते थे या नहीं? नहीं, योगा तो नहीं, जिम वगैरह करते थे। जिम वगैरह करते थे। तो आप आपको कैसा लग रहा है अब योगा यहाँ पे कराया जा रहा है? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो क्या आप कंटिन्यू रखोगे इस योगा को? टाइम मिलेगा तो करते रहूँगा, जिम तो करता हूँ। तो क्या लगता है कि इससे कुछ आपको आराम मिल सकता है, क्योंकि एकदम यहाँ पे बैठे बैठे सोए सोए थक जाते हो, तो योगा करने से क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। आपका नरेंद्र सिंह ढाकरे। नरेंद्र जी, इस समय आप कहाँ पे हैं, और जब से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो अब यहाँ पे योगा भी कराया जा रहा है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? सर, हम पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन में फंसे हैं। शुरू में प्रशासन द्वारा योगा स्टार्ट नहीं किया गया था, परंतु अब प्रशासन द्वारा हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए, जिससे हमारा स्वास्थ्य में सुधार हो, योगा 4 दिन से स्टार्ट किया गया है। इससे हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि आगे भी योगा कंटिन्यू रहे। ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, जिससे हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और किसी को कोई रोक ना लगे। क्या पहले आप योगा करते थे या नहीं करते? नहीं, पहले तो मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरी बहुत व्यस्ततम लाइफ रहती है, इस कारण से मैं योगा नहीं कर पाता था, परंतु यहाँ करके बहुत अच्छा लग रहा है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या अब ये इस योगा को आप कंटिन्यू रखेंगे? जी, भविष्य में मैं इस योगा को कंटिन्यू रखूँगा, जिससे मेरा स्वास्थ्य सही रहे। अपना परिचय दे दें।
जी मैं राजकुमार सिंह, स्टेशन मास्टर वाराणसी कैंट। राजकुमार जी, आप योगा सिखा रहे हैं यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आके फंसे हुए हैं, तो कैसे इन लोगों को हैंडल कर रहे हैं इस समय आप? एक्चुअली सर, भारत सरकार का उपक्रम के अनुसार जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ पे फंसे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन लोगों को योगा कराने के लिए, तो इसीलिए मैंने इन लोगों से बात की और ये इंटरेस्टेड भी हैं उसमें। कई लोग काफ़ी सिंसियर हैं जो कि खुद ही पहले से ही अपने आप को रो कर लेते हैं और आके मेरी हेल्प भी करते हैं आप लोग, तो बस इन्हीं लोगों के माध्यम से और इनके सहयोग से मैं इन लोगों को योगा कराता हूँ। और फिटनेस का मेन फिटनेस का है कि इनको वारों पर एक्सरसाइज में कराता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ प्लस योगा। कितने दिन हो गए आपको योगा कराते हुए और कितने घंटे कराते हैं? मैक्सिमम आधे घंटे के आसपास, क्योंकि ज़्यादातर उसमें कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, जो यंग लोग हैं वो तो इस चीज़ को मानते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या इन लोगों को योगा, अब ये अपने घर जाएंगे तो क्या करें, कुछ आपसे सलाह लिए हैं या नहीं? नहीं नहीं, इनमें ज़्यादातर लोग जो हिंदी भाषी हैं वो तो मुझसे बात करते हैं, जो हिंदी भाषी नहीं है वो भी अपनी बात को कह देते हैं किसी न किसी माध्यम से, और सभी लोग खुश हैं इस चीज़ को करके। और मैं भी चाहता हूँ कि ये निरंतर जब भी जहाँ जाएँ अपने घर पर भी तो करते रहें, चूँकि स्वास्थ्य पहले है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने योगा शुरू किया है, योगा किया है, इसमें बहुत सारे आसन हुए हैं जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, ऋषि मुनि लोग जो आसन करते थे, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब इस जगह पे जो माहौल है कोरोना का, इसमें ये योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये बताइए कि योगा पहले आप करते थे, जैसे आप तो फंसे हुए हैं तो अब यहाँ पे कर रहे हैं? इसके नहीं, इससे पहले भी हम लोग योगा करते थे, जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए ये कुछ एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि हमारा जो काम था वो बैठने का काम था, लिखा पढ़ी का काम था, अकाउंट्स का काम था, तो सिटिंग बहुत होती थी, तो उसकी वजह से कुछ एक्सरसाइज हम लोगों को बैठने से पहले ये सब करवाया जाता था और फिर काम की शुरुआत होती थी। कैसा महसूस हो रहा है अब 3-4 दिन से आप लगातार योगा कर रहे हैं तो? महसूस अच्छा हो रहा है और स्वस्थ है हम लोग, यहाँ किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ललतेश शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप इस समय कहाँ पे फंसे हुए हैं और कहाँ पे हैं? इस समय हम क्या कहते हैं वाराणसी स्टेशन के पास में हैं और यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। बेसिकली मैं रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड सोलर में काम करता हूँ और हम लोग जो है साइड से काम करके आ रहे थे, तो 21 तारीख की रात को ही जब हमारी ट्रेन यहाँ मुगल सराय पहुँची तो यहाँ पे यानी रोक दी गई ट्रेन और ये कहा गया कि भी इससे आगे अब ट्रेनें वगैरह नहीं जाएंगी। तो उस कंडीशन को देखते हुए हमने सोचा कि भाई बनारस पास में ही है, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पीएम का एरिया है, पीएम का क्या नाम है ये कंसल्टेंसी एरिया है, तो हम लोग वहाँ से यानी ऑटो पकड़ के बनारस स्टेशन पर आ गए और यहाँ आकर हमने जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह एसएसपी हो गए या क्या कहते हैं डीएसपी हो गए, इन लोगों से हमने कांटेक्ट किया, कॉन्टैक्ट नंबर मिलने से इन्होंने हमारे को लगभग 6 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे रहने उठने बैठने खाने पीने और नहाने धोने तक की व्यवस्था का इंतजाम कर दिया गया। हमारे को लगभग 4 बजे के करीब हमारे को यहाँ क्या कहते हैं ये खोल दिया गया अनारक्षित। आपको योगा कराया जा रहा है लगातार 4 दिन से, तो आपको अब कैसा लग रहा है? योगा बेसिकली मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, हमारे परिवार में ये सब चीज़ें होती रही हैं, तो योगा हम लोग कर रहे हैं। अब ये खुशी की बात है कि जो लोग यहाँ पे और ठहरे हुए हैं वो भी योगा में इंटरेस्ट ले रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्या कहते हैं एक योग टीचर आए हुए हैं और मैं तो खुद जानता ही हूँ, इनके साथ खड़े होकर करने से जो मेंटली स्ट्रेस वगैरह था वो थोड़ा कम हो जाता है और बातचीत करने से इंटरटेनमेंट वगैरह के भी साधन डिपार्टमेंट ने अरेंज कर दिए हैं, अंदर टीवी लगा दिया गया है कि उससे महाभारत हुआ, रामायण हुआ या और अदर जो धार्मिक चैनल है या कोई फिल्म देखना चाहता है या कोई गाना सुनना चाहता है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहता है तो उसके लिए वो सारी फैसिलिटी डिपार्टमेंट ने उपलब्ध करा दी गई हैं। और सुबह हम लोग जैसे उठते हैं दिनचर्या से अपना निपटते हैं, अपनी क्या कहते हैं वाशरूम वगैरह फ्रेश होकर आते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही क्या कहते हैं योग टीचर भी आ जाते हैं और फिर मैं भी, तो हम लोग क्या कहते हैं पीटी एक्सरसाइज से लेके जो सिंपल योग है कि जो फिजिकली जो है ज़्यादा टायर्डनेस ना हो, क्योंकि कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, हम लोग तो क्योंकि एक्सपीरियंस रखते हैं तो हमारे को तो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक नहीं है, शरीर से इतने कैपेबल नहीं है, उनको सॉफ्ट योगा वगैरह और पीटी वगैरह एक्सरसाइज कराते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, और ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होगा, और जब इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा तो ये कोरोना जो बीमारी फैली हुई है अभी इसके ऊपर क्या कहता है उनका फिजिकली वो यानी अपने आप को सेफ महसूस